रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चंदोली पैतृक गांव भभोरा पहुंचे। इसके साथ चंदोली के सांसद महेंद्रनाथ पांडे भी पहुंचे, अपनी भाभी के चित्र पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। वाराणसी पहुंचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल छात्र छात्राओं में विशिष्ट उपाध्य और महत्वपूर्ण मेडल। सुबह अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार। ड्यूटी से मिले गायब मजदूर ने डॉक्टरों की जमकर लगाई फटकार। मोहनलालगंज में वकीलों ने किया हाईवे जाम एक्सीडेंट मामले में वकील को पीटने का आरोप। रायबरेली लखनऊ हाईवे को किया पूरी तरह से जाम। 10 साल के जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट। 100 से अधिक जगहों पर तैनात रहेंगे 8,000 पुलिसकर्मी। अस्पताल के कर्मचारी भी हाई अलर्ट पर। कंबोडिया कसीनो में आग से अब तक 25 की मौत। कमरों सीढ़ियों के बीच मिली लाश में 700 लोगों को बचाया गया। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का खतरा। चीन में 24 घंटे में 9,000 मौतें। अमेरिका प्लेन के गंदे पानी के नए वेरिएंट की जांच करेगा। साउथ चाइना सी में भिड़ जाते तीन अमेरिका के फाइटर जेट। दोनों में रह गया था सिर्फ 20 फिट का फासला। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। आन सान सू की सजा 7 साल के लिए बड़ी। म्यांमार की मिलिट्री कोर्ट ने 5 नए मामलों में आरोपी ठहराया। 33 साल जेल में गुजारेगी सू। उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर होटल हुए पोल। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और सख्ती से निपटने के निर्देश। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर बीड कॉलोनी एरिया रोड पर ट्रैक्टर पलटा। 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल पहुंचा गया। मोड़ पर ट्रैक्टर का बैलेंस बदलने से पलटा। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र के कनकपुर में हाथी की दहशत। रात भर जागकर गुजारा कर रहे ग्रामीण 5 घरों को तोड़फोड़ कर किया क्षतिग्रस्त। लखनऊ के मोहनलालगंज में वकीलों ने किया हाईवे जाम एक्सीडेंट मामले में पुलिस द्वारा वकीलों को पीटने का आरोप। पाकिस्तान का एक उर्दू में लिखा बैनर मिला है। स्थानीय लोगों ने इसके दूसरा पुलिस को लीज कर काटी के अली तोड़ के फुलियाड़ा गांव के निकट मिला। बुरहानपुर जिले में उत्ता देवी मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। लोग कृष्णों के बालों नारियल फूल कर करते अपनी इच्छा पूरी। नवरात्र में लगता है मेला। बेमिश्रा में श्री रतन मुनि की अंतिम दर्शन करने पहुंचे जैन समाज के लोग। देवलोक गमन होने पर जैन समाज में शोक खिला है। मंगलम चरोदा में किया गया अंतिम संस्कार। सतारा में एक बंद झड्डे परिसर में मिट्टी के ढेर मिला शव। बीजेपी के पूर्व विधायक के बंद बंगले के बीच मिला शव। पुलिस मामले की जांच की। हमीरपुर में बैन छुड़ाकर युवती की हत्या। दो गंभीर घायल। पुलिस से शिकायत करने जा रही थी वृतिका। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पूरे के कोरे गांव में भीमा जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रम। जयस्तंभ को आकर्षक फूलों से सजाया गया। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर की अंतिम तैयारी। मुख्यमंत्री राज ठाकरे से मिले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। दादर में शिवतीर्थ निवास से जाएंगे। उन्हें नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर उत्सुक है कार्यकर्ता। नए साल पर पहाड़ों में बर्फबारी से बड़ी ठंड। मैदानी इलाकों में चढ़ा पारा। आने वाले दिनों में दिल्ली में सताएगी सर्दी। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने गोरखनाथ की पूजा अर्चना। मैच अवैधनाथ की समाधि पर भी देखा था। क्रिकेट ऋषभ पंत के साथ सड़क हादसा। डीजीपी अशोक कुमार ने की घोषणा। गुड सैमरिटन स्कीम के तहत होगा सम्मान। ऋषभ पंत की मदद करने वाले होंगे सम्मानित। उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर होटल हुए फुल। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी। सरकार ने की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पर्यटन को लेकर देश भर में छाया उत्तराखंड। चार धाम और कांवड़ यात्रा में बना नया रिकॉर्ड। साल 2022 उत्तराखंड के लिए सबसे अच्छा साबित हुआ।